नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद डिस्ट्रिक्ट चैनल पीके न्यूज। भारतीय मूल के हिंदुओं, तुम्हारा घर भारत है, कनाडा छोड़ो, भारत जाओ। तुम लोग न केवल भारत का समर्थन करते हो, बल्कि तुमने खालिस्तान समर्थक सिखों के भाषण और अभिव्यक्ति का दमन का भी समर्थन किया है। ये धमकी है जो कनाडा में पल रहे एसएफजी के सरगना गुरुपतवन सिंह पन्नू ने दिए हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वैश्विक स्तर पर अपनी धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन सत्ता मोह में डूबे ट्रूडो को इस बात की शायद ही परवाह है। लेकिन उन्हीं के नेता प्रतिपक्ष ने हिंदुओं की तारीफ की है। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवर ने अपने संदेश में लोगों यानी कि खास तौर पर हिंदुओं के लिए विशेष बातें कही हैं। उन्होंने कहा, हर एक कनाडाई बिना किसी डर के जीने का हकदार है। हाल के दिनों में हमने कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए घृणित टिप्पणियां देखी हैं। रूढ़िवादी हमारे हिंदू पड़ोसियों और दोस्तों के खिलाफ इन टिप्पणियों की निंदा करते हैं। हिंदुओं ने हमारे देश के हर हिस्से में अमूल्य योगदान दिया है और उनका यहाँ हमेशा स्वागत है। भारतीय मूल के हिंदुओं को मिली इस धमकी के बाद भारत विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने इसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है। हमारे हाई कमीशन, हमारे कॉन्सुलेट्स वहाँ चल रहे हैं, काम हो रही है उनमें। कोई दिक्कत हो उनसे कॉन्टैक्ट करें, पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारे पास और एडिशनल इनपुट्स अभी नहीं है। ये प्रश्न किसी और ने भी पूछा था कि हमारे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट जो है उनको वीज़ा, हमारे वीज़ा पॉलिसी से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन्स हैं। और कनाडा क्या करेगी, ये कैनेडियन अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं। आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच संबंधों में कड़वाहट देखी जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में संलिप्तता के आरोप लगाए हैं। इस आरोप के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। भारत ने कनाडा के दावों को बेतुका और मोटिवेटेड बताते हुए खारिज कर दिया। दोनों देशों में तनाव इस कदर बढ़ गया कि बात एक दूसरे के राजनयिकों के निष्कासन तक आ पहुंची। जस्टिन ट्रूडो ये जान बूझ कर सत्ता मोह में कर रहे हैं और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी है। एसएफजे के सरगना गुरपतवंत सिंह लगातार धमकी दे रहा है, कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि वो भारत वापस चले जाएं। वहीं ट्रूडो के विपक्ष नेता प्रतिपक्ष ने हिंदुओं की तारीफ की है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।